हाय गाइस, मैं हूं सुजाता और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है मैनीक्योर। घर में मौजूद चीजों की सहायता से हम कैसे घर बैठे मैनीक्योर कर सकते हैं, ये आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम घर बैठे ही मैनीक्योर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने हाथों से नेल पेंट्स को अच्छे से रिमूव कर लेंगे और उसके बाद से मैनीक्योर स्टार्ट करें। अगर आपके नेल्स बड़े हुए, आप उन्हें कुछ शेप देना चाहते हैं, तो मैनीक्योर स्टार्ट करने से पहले ही आप अपने नेल पेंट को रिमूव करके और नेल को शेप दे सकते हैं और उसके बाद मैनीक्योर स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम अपने हाथों से ज्वेलरी हटाएंगे, उसके बाद से नेल को क्लीन करेंगे और नेल को कट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। बाउल में हम गर्म पानी लेंगे, उसमें थोड़ा शैम्पू डालेंगे, हाफ नींबू निचोड़ेंगे, और उसको हल्का सा मिला के इसमें अपने हाथों को अच्छी तरह से डाल लेंगे। 5 मिनट के बाद हम अपने हाथों को इसमें से निकाल लेंगे। एक बाउल में हम चावल का आटा लेंगे, इसके लिए हम चावल को अच्छे से धो के और उसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो इस तरह से हमारा चावल का आटा बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें शहद मिलाएंगे, और इसमें आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा दूध या पानी मिला सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा दूध मिला रही हूं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मेरा एक स्क्रब बन गया। मैं उस नींबू के छिलके की सहायता से, जो कि मैंने निचोड़ा था पानी में, उसकी सहायता से मैं अपने हाथों पे इसे अच्छे से स्क्रब कर लूंगी, हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए, मैंने अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब कर लिया है। अब इसे 2 मिनट रखने के बाद से मैं साफ पानी से इसे धो लूंगी। स्क्रब करने के बाद मैंने अपने हाथों को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसका मसाज करेंगे। इसके लिए मैंने दूध की मलाई ली है और इसे मैं हल्के हाथों से अपने हाथों पे लगाऊंगी और धीरे धीरे करके मसाज करूंगी। मसाज करने के बाद हम अपने हाथों को अच्छे से धो लेंगे या गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। मैंने अपने हाथों को मसाज करने के बाद अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसके लगाने के लिए एक पैक बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी मुल्तानी मिट्टी, उसमें मिलाऊंगी मैं शहद, और उसमें मिलाऊंगी मैं दूध, उसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पैक बन के तैयार हो गया और मैं इसे अपने हाथों पे लगा लूँ। मुल्तानी मिट्टी हमारे हाथों में कसाव लाने का काम करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, और मिल्क और हनी हमें नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। मैंने अपने हाथों पर अच्छे से इसे लगा लिया है। 10 मिनट तक इसे सूखने के लिए रखूंगी और 10 मिनट बाद इसे अच्छे से धो दूंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी हल्का सूख गया है और
अब मैं इसे अच्छी तरह से पानी से धो लूंगी। एक्स सूखने के बाद मैंने अपने हाथों को अच्छे से धो लिया है। अब मैं कोई भी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने हाथों पे लगा लूंगी और अपने मनपसंद उसके बाद अपना नेल पेंट लगाऊंगी। मैंने अच्छे से अपने हाथों में मॉइस्चराइजर लगा लिया है और अब मैं अपनी पसंद का नेल पेंट लगाऊंगी। दोस्तों मैंने अपने हाथों पे नेल पेंट लगा लिया है और मेरा मैनिक्योर अब पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।